अब कहा संजय सेतु का हुआ? अरे भैया पूछो ना, का पता है, हर बार हमारे ऊपर दरार आ जाती है, हर बार भैया, पहले भी तो दरार आई है, लेकिन एनएचआई के अधिकारी आते हैं, लिपा पोती करके चले जाते हैं, हर बार हमारी मरम्मतें होती है, कोई जांच वाँच नहीं करता है, और जहाँ दरार आती वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। बेचारा संजय सेतु आप बीती सुनावत रहे भैया, हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखा हो सरयू नदी घाघरा के ऊपर जो भैया पुल बना होगा संजय सेतु बोला जाता है, जो लखनऊ का नेपाल से जोड़े काम करती है, और का अभी भैया दरार आएगी, कल बकायदा बहुत लंबा जाम लगवा रहा, कम से कम 3 किलोमीटर तक भैया देखा हो कत्ता लंबा जाम लगा पड़ा रहा है, गोंडा बहराइच बाराबंकी बलरामपुर ये बकायदा भैया अन्य जिलों के वाहन यहाँ पर आवा जावा करती है भैया, आवागमन जारी रहती है। अब दुई ज्वाइंटन की कल भैया दरारें थी, उसकी मरम्मत की गई, उनका ठीक ठाक किया गया, जो भैया एनएचआई के अधिकारी हैं भोरे भोरे बार बार खबरों छपी रहे, प्रमोद कुमार जी को कहते हैं कि देखो भैया संजय सेतु में जो दरारें आई थी उसको भर दिया गया है, प्लेटें लगा दी गई हैं, लेकिन हम एनएचआई के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि देखो भैया ये कोई हल्की बात नहीं है, इससे पहले भी एक बार दरार आ चुकी है, तो कृपया ध्यान दिए रहिए, कोई दिक्कत हो उसका समाधान निकालिए, सरकार से मांग कीजिए कि तनिक भैया बजट वजट निकाले, तनिक इसकी कहूँ दिक्कत आ रही है तो उसका परमानेंट समाधान कीजिए, क्योंकि हल्की बात तो है नहीं है भैया, बहुत ही गंभीरता से यह मामला लिए वाला है। बाकी कल भैया यातायात वन वे कर दिया गया जी के वजह से कम 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगवा, बाकी आप देख सका तो मरम्मत कर दी गई है, आपकी गारा कमेंट कीजिएगा। दूसरा खबर देख ली थन भोरे भर अखबार में खबर छपी रहा है, तो हम कहना तनिक आपको बता दी। अब राजस्व के काम भैया पुलिस वाले अपने मने से कूदे ला गए हैं, कोई भैया फोन कर दिया था बस अभी मैं जाता हूँ, अरे पूरा भैया उन्हें खैर सब मामला, आप कुछ टीका टिप्पणी कर देंगे दरोगा साहब का नाम हम ले लेंगे तो भाई साहब कैसे आकर के बुरा मान जाएंगे, मामला कहीं और का नहीं, बाराबंकी जिले में सतरी के ग्राम पंचायत तीर गाँव का बतावा जा रहा, जहाँ पर देखा हो शशि पांडे जी एक महिला है और बिचारी भी क्या शिक्षा मित्र है, तीर गाँव में पढ़ावे काम करती है कम्पोजिट विद्यालय में, तो हुए आसपास भैया एक जमीन खरीदी, जब जमीन खरीदी तो अपना घर पर बनवाती रहे, अब कुछ जने भैया बिना मतलब शिकायत करके परेशान करना शुरू कर दी, तो बिचारी उप जिलाधिकारी का शिकायत करी है, कार्रवाई की मांग कर रही है, बाकी भैया डीएम साहब को भी शिकायत करी है, हम कह लो तो आपका बता दी कि देखो एक शिक्षा में तो टीचर को तो कृपया परेशान मत कीजिए, महिला है बिचारी घर बनवा रही तो उनका दिक्कत हो रही, ऐसे ऐसे लोग हैं कि पूछो ना, और कोई फोन कर देते हैं दरोगा साहब फटफट दौड़ के चले जाती हैं, अब उनका नाम तो हम एक जन बताओ ना, लेकिन हम कहना हटाओ रहा है दो वरना भाई साहब बुरा मान जाएंगे, उम्मीद करेंगे कि अगली बार इनको ना परेशान किया जाए, बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। दूसरा खबर देख ली थन, अब देखो भैया अधिकारियों का नाम बताना उचित नहीं समझेंगे, अरे अधिकारी ना बोले तो का बोले, बेचारे अधिकारी कर्मचारी मारपीट कर ली, लेखाकार और रेडियो कहीं हाँ हाँ मार टुपका मार टुपका एक दूसरे को मार मार पहले गरी आई फिर भैया जय नादन जय नादन लाते घूसे उड़ा दी एक दूसरे का, होना का था भैया भोरे भर अखबार में खबर छपी, हम कह लो तो आपका बता दी कि विकास खंड भैया सरौली गौसपुर कार्यालय में सोमवार को अखाड़ा बन गया, एक दूसरे को मार मार भैया मुंह सुझा दिन गाली गलौज कर फिर मारपीट करते हैं, सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचती है, एसडीएम मैडम पहुंचाते हैं और दोनों का शांत करो कि देखो भैया मारपीट ना करो शांत हो जाओ, अब भैया एसडीएम खुद जांच करेंगी, बाकी आपकी कार रिकमेंड कीजिएगा। पढ़े लिखे हुई करके लोग जब मारपीट करते तो सोचे वाली बात है कि लेखाकार और रेडियो का है मारपीट करी, ये तो बहुत ही गलत बात है, पता नहीं कौन सा विवाद होगा, गाली गलौज कर फिर दे दनादन शुरू हो जाती है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शम्मी सब मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना, बाकी सरौली गौसपुर की लखले दास की रिपोर्ट, हमने भैया किसी का नाम बिल्कुल नहीं बताया, बाकी अखबार में खबर छपी रहे तो बताना जरूरी था, खबर तो खबर होती है भैया, बाकी आपकी गाय रिकमेंड कीजिएगा।